नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। जनपद गाजीपुर के तियरा गांव में तीन पैरों का बालक लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है, जिसने एक सप्ताह पहले ही जन्म लिया है और मौजूदा समय में पूर्ण रूप से स्वस्थ है, जिसे देखने के लिए आसपास के गाँव वाले भी पहुँच रहे हैं। लेकिन परिवार के लोगों को उसके इलाज और उसके भविष्य को लेकर चिंता सता रही है, जिसके संबंध में इन सभी लोगों ने जिला अधिकारी के माध्यम से बच्चे के इलाज की गुहार लगाई है। मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करने वाले विवेकानंद राम के ऊपर उस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब विवेकानंद की पत्नी ने तीन पैरों वाले बच्चे को जन्म दिया। 4 साल का एक बेटा भी हाथ और पैर से पहले ही दिव्यांग है। परिवार अब बच्चे के भविष्य को लेकर बेहद ही चिंतित है। मामला बिरनो थाना क्षेत्र के तेरा गांव की है, जहां विवेकानंद राम और पत्नी प्रियंका देवी को 29 सितंबर को जच्चा बच्चा केंद्र बद्धूपुर में तीन पैरों वाले बच्चे का सामान्य प्रसव से जन्म हुआ। प्रसव के बाद परिजन बच्चे की हालत देखकर सन्न रह गए। संयोग से जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। विवेकानंद का परिवार बेहद ही गरीब है, किसी तरह मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण चलाता है। राजेंद्र राम के दो पुत्रों में विवेकानंद बड़ा है, जबकि छोटा पुत्र पढ़ाई करता है। परिवार के सामने सबसे बड़ी समस्या बच्चे के इलाज को लेकर है। हालांकि कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जिला अधिकारी के स्तर से कुछ आर्थिक मदद परिवार को पहुँचाई जाए, जिससे बच्चे को बेहतर इलाज हो सके। हाँ, बद्धूपुर लाभ बैंक के सामने दोनों ब्लॉक से। अच्छा, उसके बाद डॉक्टरों ने क्या बताया था आपको? डॉक्टरों ने तो कुछ नहीं कहा, वो कुछ नहीं बोले। अच्छा, अभी एक हफ्ता हो गया, अभी बच्चे के शरीर में कुछ ऐसी हरकत या कहीं कुछ लग रहा हो कि आप बच्चा स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है? नहीं, स्वस्थ है एकदम, थोड़ा बहुत गैस वैस बनाता है। सर, तो ये बताइए, आप स्वास्थ्य विभाग से किस तरह की चिकित्सा सुविधा बच्चे के लिए चाहती हैं? तीन पैर का बच्चा है, अलौकिक बच्चा पैदा हुआ है, क्या चाहती हैं? वही कि हमारी बच्चे का ऑपरेशन हो सके अच्छे अच्छी तरह से, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। नहीं, डॉक्टरों ने देखा तो क्या कहा बच्चा की, भविष्य में चलकर अभी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी हो सकती या नहीं हो सकती, कुछ बताया डॉक्टरों ने? डॉक्टर कोई तो कुछ नहीं बोले। अच्छा, अभी आपका बच्चा खा पी रहा है? हाँ, अच्छी तरह से पी रहा है, खा रहा है। और ये लड़का पहला लड़का है जो ये गरीब है और मतलब ये भी विकलांग है। दूसरा विवेकानंद का ये पहला बच्चा था? विवेकानंद का पहला बच्चा, ये भी विकलांग था? ये भी विकलांग है। जो उनका तीन पैर का बच्चा अभी 29 सितंबर को हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तीन पैर का जो बच्चा पैदा हुआ है, उसके विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत गरीब आदमी है, इनका मतलब कहीं से कोई आमदनी भी नहीं है, गरीब आदमी है, मजदूरी करके पेट पालते हैं। और आप से मेरा यही अनुरोध है, डीएम साहब से यही अनुरोध है कि मतलब ये विभाग से मतलब स्वास्थ्य विभाग से जितना मदद हो सके मदद दी जाए। और अब तक मतलब ब्लॉक से लेकर स्वास्थ्य विभाग से कोई अभी तक आया नहीं है। हम लोग यही चाहेंगे कि इनकी मदद की जाए। आज डीएम साहब को मैंने एक पत्र दिया है, लेटर दिया है उनको। तेरा गांव जो बिरनो थाना के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ एक बालक जो है 5-7 दिन पहले तेरा गांव जो दलित बस्ती है उसमें एक बालक पैदा हुआ है, जिसको मैं कल देखने के लिए वहाँ गया था। और उस बालक का अलौकिक बालक है, उसका तीन पैर है। तो मैं इसी संबंध में डीएम साहब से मिलने गया कि वो परिवार काफ़ी गरीब परिवार है और वो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि अपने उस बच्चे का इलाज अपने पैसा से नहीं करा सकते हैं, उनके पास पैसा ही नहीं, गरीब भैया है। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि आप उस मुझे लेटर दीजिए, मैं सीएमओ को कहता हूँ, वहाँ डॉक्टर टीम जाएगी और आप उस बच्चे को लेकर यहाँ जिला चिकित्सालय लेकर आइए।